बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शहरयार अली नकवी, आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइज। आज हम रास्ते में चलते चलते जो है सीमा की और एपी सिंह की वाट लगाएंगे, और आज आपको थोड़ा सा कराची भी घुमाएंगे, ठीक है? तो हमारे साथ रहिएगा। पाँच पाँच में आपने देखा 50-50 में। अच्छा तो भाई हम एक बात करेंगे कि एपी सिंह जो है ना, कल एक सुप्रीम कोर्ट का वकील जो है वो एक छोटे से जो है ना कोर्ट में वहाँ गया, और वहाँ जाके जो है तो जिस दिन छुट्टी है उस दिन वहाँ पर पहुँच गया, और पहुँच के वहाँ पर बाहर हमेशा की तरह, क्योंकि उसको पता है कि वो तो खुद वहाँ पर उसका केस चल रहा है, ये वही कोर्ट है जहाँ पर सीमा ने अपने आप को सचिन का जो है वो शौहर बताया हुआ था, सॉरी सचिन का शौहर नहीं, सचिन की फ्रेंड बताया हुआ था, इसी कोर्ट के अंदर उसका केस चल रहा है, और एपी सिंह वहाँ पर पहुँच गया और बंद कोर्ट के सामने खड़ा हुआ होकर बोल रहा है कि उसके खिलाफ केस करेंगे, और होटल के अंदर बैठ के बिरयानियाँ खाते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर बैठ के कहते हैं कि गुलाम हैदर को जो है फांसी की सज़ा होगी। गुलाम हैदर पागल नहीं है, ना मोमिन मलिक पागल है कि फांसी की सज़ा होगी। उल्लू के पट्टे हैं एपी सिंह डक्कन साहब के, जिनको वकालत का कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। आप ये देखें कितनी खूबसूरत ये अलम है मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का। और अब हम आगे जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे ज़रा, आज हम जा रहे हैं नॉर्थ कराची की तरफ, और आपको ज़रा घुमाएंगे फिराएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। साफ सुथरे रास्ते हैं, गंदे बंदे रास्ते जो भी होंगे वो भाई नसीब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो दोस्तों ये है वो आपका चहीता वकील, जिसको वकालत का डब्लू भी नहीं आता, और सीमा जो है उसको कह रहे कि गालियाँ पड़नी है, ये कह रहा तो उसने काम कौन सा अच्छा किया, पूछने वाली है, गालियाँ तो उसको पड़ेंगी है, गालियों वाले काम किया है ना, गालियाँ तो उसी ने दी थी सबसे पहले, पाकिस्तान मुर्दाबाद उसी ने तो कहा था ना, एपी सिंह ने सबसे पहले कि हम लोगों ने कहा था, हम तो आज भी हम तो आज भी नहीं कहते हिंदुस्तान मुर्दाबाद तो नहीं कहते, हम पाकिस्तानी तो, हमें भाई आज़ादी है, हमारे गवर्नमेंट हमारी एजेंसी हमें सपोर्ट करती है, और हमें कहती हैं अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करें, प्यार का पैगाम फैलाएँ, तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद भी कहते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कहते हैं, हम अमेरिका भी जिंदाबाद कहते हैं, सऊदी अरब भी जिंदाबाद कहते हैं, अफगानिस्तान भी जिंदाबाद कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट खुश होती है, इदारे खुश होते हैं कि देखो ये हमारी तरबियत है, ये हमारे मुल्क के लोग हैं, और ये सीमा और एपी सिंह क्या करें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, इस हरामजादी बेगैरत सीमा ने जो है वो इस्लाम के खिलाफ बकवास की, ठीक है, हमारे अल्लाह की शान में गुस्ताखी की इसने, क्या अरे ग्रेजुएट समझ के लाइन मार रहे हैं का? तो भाई आप देखें कि वो बंदा के जिसको पता ही नहीं है, बल्कि जिसको पता है कि मेरे पास जो है वो कोई दलील नहीं है सीमा को बचाने की, सीमा को ले लेके घूम रहा था, बिल आखिर जो है 2 तारीख जैसे करीब आती जा रही है, तो वो उस बंदे को एहसास हुआ कि नहीं यार अब मैं जो है वो सीमा को अव्वल आखिर एक जगह घुमा लूँ, हो सकता है चंद दिन में अयोध्या मंदिर भी लेके चला जाए उसको, लेकिन कोई परवानी घुमा दे। कहते ना जब बकरे को हलाल करना होता है तो उसके मुँह पर पानी मारा जाता है कि पानी पी ले आखिरी, तो सीमा के साथ वही हो रहा है। मोमिन मलिक जिंदाबाद यार, मोमिन मलिक जिंदाबाद। अंसार वर्दी के बारे में जो मोमिन मलिक साहब ने बात की है ना, दिलबीर कौर सरबजीत सिंह की जो बहन थी जिसने झूठ बोला था, वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा मोमिन मलिक ने जिस तरीके से क्लियर किया है ना, वाओ। ये सारा नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, आटे की, चावलों की, बिस्किट्स की, दवाओं की, ये चावल का गोदाम आ रहा है ब्लू वाला, ये अलकरम टेक्सटाइल मिल यहाँ पर है, अफरोज टेक्सटाइल मिल यहाँ पर है, आपको सब मिलेगा। भाई सरबजीत सिंह की बहन का जो मामला था वो एक इल्ज़ाम था मोमिन मलिक के ऊपर, सॉरी अंसार वर्दी के ऊपर, वो मोमिन मलिक ने क्लियर कर दिया कि कोई पाकिस्तान और इंडिया, आपको सॉरी तस्वीर हिलती हुई महसूस होगी क्योंकि हम लोग रास्ते में खड्डे वड्डे सब हैं, तो कोई पाकिस्तानी और इंडियन जो है आपस में कोई मनी एक्सचेंज नहीं कर सकते, कोई भी दिलबीर कौर से जाके पूछे या उसके घर वालों से कि उसने इल्ज़ाम कैसे लगाया कि
तुषार वर्णी ने 25 करोड़ रुपए जो है उससे मांगे, फिर 2 करोड़ रुपए मांगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जरा उससे पूछें। मोमिन मलिक ने बेहतरीन तरीके से समझा दिया है, बताएं कि सीमा के पास क्या रहेगा। सारंग वर्णी जो है वो अंसार वर्णी के भाई हैं, लेकिन उनके ऊपर जो इल्ज़ाम हैं अभी तक इल्ज़ाम हैं, ठीक है ना, वो उसमें मुजरिम नहीं है, ठीक है, अभी सिर्फ इल्ज़ाम है उनके ऊपर और कुछ भी नहीं है। ये जो जगह है ना यहाँ पर जो पुल आप देख रहे थे ब्रिज, उधर वो भी मिलेगा आपको, क्या कहते हैं, सचिन जैसे जर्सी भी मिलेंगे आपको जो सुट्टे मार रहे होंगे, ठीक है। ये देखें अभी तो ये एक कराची के एक कोने का भी एक कोना है, ठीक है, ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया है, सारी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, सचिन को यहाँ काम मिल सकता है। ये इस जगह पे ये कितनी ऐसी जगह है, कितनी नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है इधर, रक्षे के दुकान पे भी सचिन को काम मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो ये लोग बेसिकली चाह रहे हैं कि गुलाम हैदर जो है ना वो वहाँ नहीं पहुँचे, उसके राह में रोड़े अटका के या दिखा रहे हैं कि सीमा को हम आज़ाद घुमा रहे हैं। लेकिन सचिन को भी अब आप देखें कि सचिन भी हाईवे पे घूम रहे हैं, एक एक क्या कहते हैं कि एक हाथ पे बाइक चला रहे हैं और घूम रहे हैं, सही है ना। तो आप ये चीज़ देख लीजिए कि सचिन को अकेला छोड़ा हुआ है, खुदा ना खासा उसको कुछ हो गया, वैसे तो हो जाए भाड़ में जाए, लेकिन कुछ हो गया तो मोमिन मलिक पे और क्या कहते हैं कि गुलाम हैदर के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा ये क्या कहते हैं गदा वकील, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, हम पहले ही बता चुके हैं, अब फिर बता रहे हैं आपको, सचिन अकेला घूम रहा है, इसका मतलब ये कि कुछ गंद होने वाली है और अल्लाह महफूज रखे फ़िलहाल तो। लेकिन जब हैदर को बच्चे मिल जाए उसके बाद जो है वो उसके साथ जो होता है भाड़ में जाए, और सचिन का भाई तो आपने देखा कि सचिन का भाई जो है वो कचरा चुन रहे पीढ़ी लगा के और ये है डब्ल्यू 11 का स्टॉप, कराची की जान डब्ल्यू 11। और यहाँ के रोल बड़े मज़े के होते हैं, इसके रोल बहुत मज़े के होते हैं, VVIP किस्म के। तो छोटी गंगा आ गई, जहाँ सचिन को नहाना है वो देखें, छोटी गंगा, यहाँ सचिन नहाएगा। अब सचिन के नहाने की हमने छोटी गंगा दिखा दी है, सचिन नहाएगा इधर और खूब खिल जाएगा कलर उसका फिर कहेगा छोटी गंगा कह के नाले में कुदा दे। सड़क बना दी है ज़बरदस्त यार, खुला डुला। अब हम आपको दिखा रहे हैं 4K चौरंगी, ये 4K चौरंगी है, ये देखे ऊपर से बस जा रही है, कितना खूबसूरत मंजर है, ये 4K चौरंगी आ गई। पान की दुकान, रश चेक करें कितना रश है यार, फलस्तीन के हक में रैली निकल रही है। पान की दुकान, आप कराची की सड़कों पे हो और आपको पान के केबिन नजर ना आए, सवाल ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि कराची की वालों की पहचान पान की दुकान। वैसे अजीब सा बोला, हाँ जी सचिन कैसा दिखता है भाई? सचिन ऐसे पॉटरी हमारे जैसा इधर है ना मवाली, हाँ ये मवासी ऐसा दिखता है भाई सचिन, ये सचिन है, ये मवाली है, पॉटरी है, जर्सी 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 कदी ना मर्सी सचिन की औकात देख ली आपने ये देखे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं लोग, दुकानें लेके बैठे हुए हैं, टीए लेके बैठे हुए हैं, कहाँ कलाशन को और बम नज़र आ रहे हैं, सारामी AP सिंह को कहाँ नज़र आ रहा है, कुछ हैं कहीं पे किसी के हाथ में बंदूक नज़र आई, अगर सिक्योरिटी गार्ड नज़र आ रहे तो वो बात अलग है। ये देखें मेहनत मजदूरियाँ कर रहे हैं, दुकानें लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये कह रहे हैं पाकिस्तानी जो है वो कलाशन को चलाते हैं, बंदूकें चलाते हैं, हैं। तो AP सिंह कहाँ पर तूने अभी तक देखी कलाशन को बंदूक जिहादी, ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ कराची का 0.04% दिखाया है अभी, 0.004%, सॉरी ये कुछ भी नहीं है। अभी अगर किसी दिन मेरा शहर जाना हुआ ना मैं तुझे वहाँ का दिखाऊंगा
और मैं मुख्तलिफ जगह दिखाऊंगा। तेरी जो है ना पुंगी बच जाएगी सही तरीके से। तुम पाकिस्तानी को बदनाम करते हो ना, तुम्हारे दलबीर कौर का तो वो बोल पट्टी खोल दी मोमिन मलिक ने। अब बताओ अब तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है भौंकने को, ठीक है, लेकिन तुम तो हो बेगैरत, तुम तो फिर भी करोगे, कुछ ना कुछ खगोगे, क्योंकि तुम्हारा मुंह नहीं है, चूतड़ है, चूतड़ से बात निकलती है, ये गू निकलता है। हमने बहरहाल तय ये किया है कि ग़ुलाम हैदर से गलती हुई है, ग़ुलाम हैदर का हम साथ छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी कर ले, ठीक है, लेकिन ग़ुलाम हैदर अब मोहतात रहे और इस चुड़ैल बुतनी की बातों में नहीं आए। हमने समझा दिया है, बाकी उसकी मर्ज़ी है, लेकिन हम फिर भी जो है ग़ुलाम हैदर का साथ देते रहेंगे, क्योंकि वो एक मज़लूम बाप है, उसका दिल दुखा हुआ है, वो परेशान है, परेशानी में उसे ज़बरदस्ती जो भी कहलवाया गया उसको भड़काया गया, हैदर तेरा घर एक औरत ने ही बर्बाद किया है, अब तेरी दुनिया मजीद जो बची कुची है वो भी एक औरत बर्बाद कर रही है, इससे दूर रहे, ठीक है मेरी जान। अब हम पहुँच रहे वापस घर, बीच पे कहाँ गए थे वहाँ तो हमने नहीं दिखाया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि हम जो है वो आपको थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट करा देंगे, रास्ते का मतलब मज़ा अलग और साथ ही साथ ये तफरी अलग। अभी आपको एक एरिया और दिखाएंगे जो बिल्कुल इस जगह के अपोजिट है, जो कि आप कहोगे कि यार ये वाओ मिनी इस्लामाबाद कहलाता था कभी, लेकिन वो जगह इतनी हसीन है ना, वहाँ जाए बंदा उसके बाद वापस आने का दिल नहीं चाहता। ये है वो नाला, जा रहते हैं सचिन की खाला, ये रहा वो नाला जिसपे सचिन कूदेगा और इसके सारे पाप धुल जाएंगे, ये छोटी गंगा बना दी इसके लिए हमने। बीड़ी फूंक रहा है वहाँ, सीमा बीड़ी फूंकती है तो उसका धुआं निकलता है पीछे से, और ये सचिन का एपी सिंह का खाना, ये सारी खाद पड़ी हुई है, ठीक है, टट्टी ये जगह खुजा रहा है बैठा हुआ। ये फ्लैट आप लोग देख रहे हैं ना, ये इस एरिया के सबसे ज़्यादा महंगे फ्लैट्स हैं, सबसे हसीन फ्लैट्स हैं, ये तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ का एक फ्लैट है, ये 2.5 से 3 करोड़ का, और इसके सामने ये वाले फ्लैट्स हैं, ये थोड़े से पुराने बने हुए, लेकिन यहाँ पर भी तकरीबन आपको 70 से 80 लाख रुपए में स्टार्ट होता है और 1 करोड़ 90 लाख रुपए में यहाँ पर जाता है। टिकटॉक बन रही है, सारे टिकटॉक स्टार्स खड़े हैं, यह देखो इतनी हसीन चौरंगी है, ये सड़क ही खाली जो है ना, ये देख के एपी सिंह का मूत निकल जाएगा, और ये लोगों का फेवरेट इमरान खान। ये सचिन लोग मूत रहे थे टांग उठा के, ये घर खाली जो है ना, एक घर जो है 8.5 से 16 करोड़ तक का और तकरीबन 20 करोड़ तक का एक घर है ये, और जो बड़े घर हैं जिनके ऊपर खाली प्लॉट्स वगैरह साथ में जिन्होंने गार्डन्स बनाए हुए, तकरीबन 50 से 60 करोड़ का है एक घर। यहाँ की सबसे पुरानी मस्जिद, ये घर खाली जो है ये 42 करोड़ में गया ही है, कोने वाला जिस पे गाड़ी खड़ी है, ये KFC इलाका देख लो, AP सिंह यहाँ का नौकर भी नहीं है। आंटी को देखो जवानी में, जवान लड़के को देख के इशारे कर रही है आंटी। ये रोशन, यहाँ का मेरा व्लॉग पड़ा हुआ है, देखिएगा मेरे टाइमलाइन में। अगर आपको फूड से रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखनी है तो इसी चैनल पे मेरा रोशन के नाम से ब्लॉग पड़ा हुआ है, 4 साल 5 साल पुराना है मेरे ख्याल में, ज़्यादा पुराना होगा, देखिएगा। मैंने नया नया शुरू किया था ब्लॉगिंग उस पर ना, वो बड़ा मज़ेदार बनाया था, बहुत मज़ा आया था, लड़के आज भी बड़ा प्यार करते हैं मुझे। नजीब भाई सचिन कैसा दिखता है? पोट्री मवासी जैसा नहीं दिखता, जैसे चर्सी कदी ना मरसी। अच्छा आपने वो एक गाली भी दी थी बड़ी प्यारी थी,
दयान का लौड़ा चरसी कदी ना मरसी मवासी मवासी क्या होता है मवासी गांड देखो यार कितनी हसीन दुकानें बनी हुई है यार। सचिन को एपी सिंह को काम मिल जाएगा यार, कर सकता है यार, लाखों रुपए महीने के उठाएगा आराम से, हलाल की अगर कमाने पे आए तो। मुझे नहीं पता था मवासी भी कोई गाली होती है। क्या क्या जबरदस्त डिक्शनरी में इजाफा हो गया। तो भाइयों ये था आज का हमारा व्लॉग, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, ये एरिया भी आपको पसंद आया होगा, बहुत खूबसूरत जगह है, हमने आपको घुमाया भी और एपी सिंह की सचिन की वाट लगाई। तेनु मौज करामा तेरे सदके जामा। ठीक है जी, अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में, रात को लाइव भी होगा इंशाल्लाह, और लाइव में आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मैं हूँ सैयद शहरयार अली नकवी और आप देख रहे हैं।